टॉपिक टूडे में साइकिल आई थिंक सब बच्चों ने जेनेसिस और पॉलिकुलर जेनेसिस समझ लिया यस yes, शिवम शिवम कहा है यस आज शिवम नहीं आया आ आ गया, गया, आगे 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 दिग्ञा दिग्ञा मानसी कहा है यस yes. राम कहाँ पे है काफी सारे बच्चे दिख रहे हैं काफी सारे बच्चे नहीं दिख रहे हैं गार्गी भी आई है वाओ तो मुझे काफी बच्चों के नाम याद हो गए हैं नताशा का भी है अंजलि भी है यस बिल्कुल तो आई थिंक आप बच्चों ने पॉलिकुलर जेनेसिस अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा मैंने आपको सब चीजें लिखवाई थी आज हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है साइकिल साइकिलल साइकिल किस में होती है मेमेलियन प्राइमेट्स एंड मेमेलियन नॉन प्राइमेट्स जल्दी से आंसर बता दो मैम ने लास्ट क्लास में बताया था तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये cycle, किस में देखी जाती है बच्चों ये साइकिल देखी जाती है मेमेलियन प्राइमेट्स में किस में मेमेलियन मेमेलियन प्राइमेट्स में आते आपके एंड ह्यूमंस एंड ह्यूमंस ऑन सेट ऑफ प्यूबर्टी यानी जब प्यूबर्टी आती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है और उसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं मिनार के टर्म क्या यूज करते हैं बेटा मिनार के जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एक महिला में शुरू होती है जब यही साइकिल 45 से 55 साल की उम्र में बंद हो जाती है तो उस स्टेज को हम क्या बोलते क्या बोलते हैं हैं मेनोपॉज मेनोपॉज क्या बेटा उस स्टेज को तो तो ये तो था इंट्रोडक्शन आज हम एक बेहतरीन डायग्राम करेंगे एनसीईआरटी में डायग्राम सब बच्चों ने देखा होगा देखते हैं हमारे पास है, ये ही वाला ये सबने देखा है समझा दो इसको इसको समझने के लिए ना बच्चों सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है आपको इसका हार्मोनल रेगुलेशन समझना है चले आज हार्मोनल रेगुलेशन आपको डिटेल में बताते हैं आप आज की क्लास के बात करेंगे वाह क्या मजा आया मैम मैमचुरल साइकिल समझ नहीं हो तो हमें ऐसे ही समझनी चाहिए थी ठीक है तो आज हम में जो पहली चीज करने वाले हैं मैं कहूंगी जो बच्चा लेक्चर देख रहे हैं वो पूरा लेक्चर आज देखे और फिर अपने आंसर देखे बहुत मजा आएगा आपको मैं साइकिल में आज जो हम शुरू करने वाले हैं सबसे पहले वो है हार्मोनल कंट्रोल हॉर्मोनल कंट्रोल यानी कि ये जो पूरी प्रोसेस है इस पूरी प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं जो कि फीमेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं ठीक है बच्चों मानसी आप सबसे पहले मुझे मानसी बताएगी द पॉइंट नंबर वन से हम शुरू कर रहे हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन सा होता है यस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन सा होता है मैम ये अभी तक मुझे कभी समझ नहीं आ जाएगा शिवम डोंट स्पैम डोंट स्पैम स्पैम करोगे टाइम आउट हो जाओगे या ब्लॉक हो जाओगे द टीम इज वर्किंग टीम आपको देख रही है डोंट स्पैम बच्चों टीम बहुत ज्यादा अच्छे से मॉनिटर कर रही है मत करना कुछ भी स्पैम मत करना मुझे बहुत दुख होगा अगर मेरे बच्चे यहाँ पे ब्लॉक या टाइम आउट हो जाएंगे ठीक है बहुत अच्छा आंसर दिए सब बच्चों ने हाइपोथैलेमस तो जो हाइपोथैलेमस होता है वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है यहां से गुनाडोट्रोपिन नाम का हार्मोन आता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है हार्मोन का नाम क्या है बच्चों जीएनआरएच तो ये जो जीएनआरएच है यानी गुनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये किस पे काम कर रहा है एडीनोहाइपोफाइसिस इस पे काम कर रहे है कि तो हाँ इसी को हम एंटीरियर पिट्यूट्री भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको एंटीरियर पिट्यूट्री भी बोलते हैं और यहां से दो तरह के गुनाडो रिलीज होते हैं कितने टाइप के गुनाडोट्रोपिन आते हैं दो तरीके के पहले का नाम है एल एच एल एच स्टैंड फॉर ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन योग्य ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन और जो दूसरा हार्मोन है बच्चों सेकेंड हॉर्मोन इज पॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन यानी है एफ एस एच पॉलिकुलर स्टलेटिंग हॉर्मोन stimulating hormone ठीक है FSH, stimulating, stimulating hormone. Hormone. बच्चों ये हो गया आपका एफ अब आप सबसे पहले हमें देखना है कि एल एच काम करता है जो हार्मोन एल एच है वो हमेशा काम करेगा थीका इंटरना पे कहां पे काम करेगा बच्चों एल एच हमेशा काम करता है थीका इंटरना अब मैं आपसे पूछू ये थीका इंटरना मैम ने कहा पढ़ाया था थीका इंटरना मैम ने दो फॉलिकल्स में पढ़ाए थे एक फॉलिकल और एक ग्राफिन फॉलिकल ठीक है तो यहाँ पे जो न्यूटनाइजिंग हार्मोन है ये किस पे काम कर रहा है थीका इंटरना पे वही एफ एस एच किस पे काम करता है जो बहुत सारे होते हैं यानी ग्रैनुलसा सेल्स पे ये किस पे काम कर रहा है बच्चों बच्चो सेल्स किस पे काम कर रहे हैं बच्चों ग्रैनुलोसा सेल्स पे ठीक है तो ग्रैनुलोसा सेल पे काम कर रहे हैं अब यहां देखते हैं थीका इंटरना। जब थीका जब पे काम करता है एंड्रोजन तो क्या बनाता है बच्चों ये एंड्रोजन और इस एंड्रोजन को ग्रैनुलोसा सेल्स किस में कन्वर्ट कर देते हैं में। तो यानी एंड्रोजन बना यहां बट इसका कन्वर्जन किसने किया ग्रानुलोसा सेल्स ने किसमें में में ये बन गया इस ठीक है बच्चों अब आप कहेंगे मैम ग्रानुलोसा के पास ऐसा क्या है जो कि ये कन्वर्ट कर रहा है तो मैं आपको बता दू बेटा ग्रानुलोसा सेल्स के पास होता है एक एंजाइम जिसका नाम है एरोमेटेज कौन सा एंजाइम होता है बेटा एरोमेटेज ये जो एंजाइम है एरोमेटेज ये एंड्रोजन को पकड़ेगा और क्या बना देगा एस्ट्रोजन बना देगा ठीक है अब मैं आपसे यहां पे कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूं क्वेश्चन नंबर वन सबसे ज्यादा ग्रैनुलोसा सेल्स किसके पास है प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी टर्स या ग्राफियन जल्दी बताइए चार्ट सेक्शन में सबसे ज्यादा ग्रैनुलोसा सेल्स किसके पास होते हैं प्राइमरी या टर्फियन फॉलिकल किसके पास होते हैं जल्दी बताओ जल्दी 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 बच्चा, जल्दी 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 ग्राफिन के पास सबसे ज्यादा होते हैं तो सबसे ज्यादा सेल्स किसके पास है, के पास है. तो सबसे ज्यादा भी कौन बनाएगा सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन भी ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा क्यों बनाएगा क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा ग्रैनुलोसा सेल्स हैं ठीक है, वहीं पे जो प्राइमरी फॉलिकल है, इसके पास कम है तो ये कम अमाउंट में बनाएगा अब जो ये चीज मैंने रिलेट कराई है ना ये मैं साइकिल में पूछूंगी भूलना मत पिटाई आ जाइए वहीं पे ठीक है चलो अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं आखिर आप पूछ सकते मैम चलो ग्रैनुलोसा भी था भी बना बट सवाल उठता है एस्ट्रोजन बना क्यों रहे हैं वाई आर वी सिंथेसाइजिंग एस्ट्रोजन तो यहां पे वाई डू वी नीड एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन तो यहां पे लिखते हैं जो हार्मोन है दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल ठीक है यानी जितने भी महिला के सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स है वो कौन संभालेगा बेटा एस्ट्रोजन संभालेगा ठीक है ये तो एस्ट्रोजन कंट्रोल्स सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल अब आप कह सकते कि मैम कौन कौन से होती है सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर जरा उस पर भी गौर फरमाए तो मैम क्या फरमाती है एडिपोसिस क्या होता है बेटा एडिपोसिस एडिपोसिस का मतलब क्या होता है फैट डिपोजिशन क्या होता है फैट डिपोजिशन और ये फैट डिपोजिशन तीन जगह सबसे ज्यादा होता है एक तो मेमरी ग्लांट्स में एक बट्स में और तीसरा थाइस में ठीक है सो so यहां पे हम लिखेंगे लिखेंगे इट प्रमोट्स फैट डिपोजिशन फैट डिपोजिशन इन थाइज इन थाइज बट्स एंड मेमरी ग्लांस ये तो पहला हो गया दूसरा है इसका हाई पिच जो महिलाओं की आवाज होती है वो बड़ी पैनी होती है है ना बड़ी पैनी ऐसे ऐसी आवाज भी होती है क्योंकि उनकी हाई पिच होती है एंड दिस हाई पिच इज बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन ठीक है सो द नेक्स्ट इज दे हैव हाई पिच वॉइस हाई पिच वॉइस शार्पनेस तीखापन तीखी आवाज होती है चिक 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 वो वाली ठीक है तीखापन अब आते हैं एस्ट्रोजन का नेक्स्ट फंक्शन क्या है सिबल फॉर द रीजनरेशन ऑफ इनटू स्ट्रेटम स्ट्रेट यानी जब है तो किसके कारण होता है अच्छा टीना बेटा आपने तो हमें कहा था आप 363 लाख 60,000 पढ़ाओगे 6 360 के पढ़ाओगे फिर ऐसा क्यों मतलब मैं समझी नहीं बेटा जो भी है बेटा टीना मैंने अपनी तरफ से काफी अच्छे से पढ़ाया था ठीक है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है बेटा आई टीच इट अगेन सो डोंट 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 गेट आपके जितने क्वेश्चन है आपके सब निकल जाते हैं बच्चों यस ठीक है चलो कोई नहीं आज की क्लास को देखते हैं आगे चलो अब यहाँ पे देखते हैं तो हाई पिच वॉइस है और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है बेजालिस से फंक्शनलिस जो हर महीने वापस बन रहे वो किसकी प्रेजेंस में बनती है बच्चों इसरोजन ठीक है तो यानी कि थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज रीजेनरेशन रीजेनरेशन ऑफ स्ट्रेटम फंक्शनलिस फ्रॉम स्ट्रेटम बेजालिस बेजालिस या फिर हम इसे लिख सकते हैं रीजेनरेशन ऑफ एंडोमीट्रियम रीजेनरेशन ऑफ एंडोमीट्रियम तो ये तीन मेजर फंक्शन है जो कौन करता है बेटा एस्ट्रोजन अब इसके अलावा भेजता है ठीक है, 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 है. गार्गी तो यानी अगर एस्ट्रोजन का अमाउंट ज्यादा होगा तो एलएच का अमाउंट भी क्या होगा ज्यादा ठीक है अगर बॉडी में एस्ट्रोजन का अमाउंट ज्यादा हो रहा है तो किसको बुला के लाएगा एलएच को तो जितना ज्यादा एस्ट्रोजन होना शुरू होगा उतना ज्यादा एल होना शुरू होगा तो दिस टाइप ऑफ फीडबैक इज कॉल्ड एज पॉजिटिव फीडबैक सो एस्ट्रोजन सें पॉजिटिव फीडबैक ऑन एल ठीक है तो यानी एस्ट्रोजन बड़ा बड़ा तो तो एलएच एलएच आया सवाल नेक्स्ट नेक्स्ट हो सकता है क्यों चाहिए ये स्लाइड में इसको जल्दी से लिख लो बच्चों राइट एड फटा फटाफट से कमॉल बच्चों हमारी साइड से कोई बफरिंग नहीं हो रहा है अगर आपकी साइड से तो प्लीज आप देख लीजिए बच्चों हमारी साइड से बिल्कुल सब नॉर्मल है लिखा सबने अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे बच्चों तो हम बाकी का लिखेंगे हार्मोनल कंट्रोल आ जाओ अब हम थर्ड स्टेप हमें एलएच क्यों चाहिए

and what is this corpus luteum this is a temporary endocrine gland ye body mein 14 days ke liye banta hai to isliye hum ise kya kehte hain temporary endocrine endocrine gland temporary endocrine gland theek hai bachcho to ye hamara temporary ban raha hai 14 days के लिए बन रहा है in the absence of pregnancy. ठीक है बच्चों फिर आते हैं एलएच का दूसरा काम क्या है एलएच का दूसरा मेजर फंक्शन होता है ओव्यूलेशन क्या है दूसरा मेजर फंक्शन ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन कराता है ओव्यूलेशन ये कैसे, कैसे कराता है बाय रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फोलिकल कैसे कराता है बाय रप्चरिंग बाय रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन ग्राफियन फोलिकल बाय रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फोलिकल तो ग्राफियन फोलिकल टूटता है तो बाहर क्या आता है सेकेंडरी ऊसाइट जब भी ग्राफिम फॉलिकल रप्चर करता है तो बाहर आते सेकेंडरी ऊसाइट और ये सेकेंडरी ऊसाइट कहां जाता है एम्पुला में और एम्पुला में किसका वेट कर रहा है फर्टिलाइजेशन का किसका वेट कर रहा है बच्चों ये फर्टिलाइजेशन का ठीक है तो ये तो होगी एल एच की स्टोरी क्या एल एच की स्टोरी सबको क्लियर है चैट बॉक्स में एक बार बता दो अब हम फोर्थ स्टोरी पे चल रहे हैं कॉर्पस ल्यूटियम आखिर हम कॉर्पस ल्यूटियम बनाते ही क्यों हैं? वाई डू वी नीड दिस टेम्प्ररी एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों चाहिए हमको टेम्प्रेरी एंडोक्राइन ग्लैंड क्योंकि बेटा एक चीज होती है पेरी 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 चिकन नहीं होता है पेरी पेरी फॉर्मूला होता है ठीक है यानी कि यहां पे पी ई आर आई तो चार तरह के हॉर्मोन्स है जो corpus, luteum से सिक्रेट होते हैं तभी तो इसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं तभी क्या कहते हैं बच्चों कहते हैं। तो पी से क्या है से से क्या है? Progesterone. और P से आपको याद रखना है कि मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी तो अगर फीमेल ने प्रेग्नेंट होना है तो उसकी बॉडी में कौन सा हार्मोन मेंटेन रहेगा प्रोजेस्ट्रॉन तो पी से प्रोजेस्ट्रॉन पी फॉर सो दिस हार्मोन ज नीडेड फॉर द मेंटेनेस ऑफ प्रेगनेंसी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी ठीक है अब ई से आतेमने इस्ट्रोजन अब एस्ट्रोजन की अगर हम बात करें फिर टॉक अबाउट द स्ट्रोजन तो यहां पर स्ट्रोजन का क्या फंक्शन है यहां पर स्ट्रोजन जो है आपके जो एंडोमीट्रियम है उसे ग्लैंडुलर करेगा उसे और ग्लैंडुलर करेगा क्यों ग्लैंडुलर कर रहा है क्योंकि उसे अर्ली एम्ब्रियोनिक ग्रोथ को सपोर्ट करना है किसको सपोर्ट करना है अर्ली एम्ब्रियोनिक ग्रोथ को ठीक है फिर आते हैं हम आर आर से होता है रिलैक्सिन रिलैक्सिन का पहला काम क्या है टू रिलैक्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमीट्रियम बेटा रचित बेटा रचित ये जो बेटा तू दिलफे आशिकी कर रहा है ये तू बेटा यहाँ पे क्यों कर रहा है हैं? ये दिलफे काशिकी के लिए कुछ क्या होता है यस yes. कुछ भी मतलब आपने दिलफे काशिकी की हमने नहीं पकड़ी हमने आपको रवाना कर दिया तो बेटे क्या ना ये शिक्षा का मंदिर है तुम्हारे प्यार का मंदिर नहीं है ना ना ठीक है रिलैक्शन क्या होता है रिलैक्सन इज गोइंग टू रिलैक्स दूट्रियल कॉन्ट्रैक्शन माओ मीट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑलो रिलैक्सिस प्यूबिक सिंफाइसिस प्यूबिक सिंफा तो यह आपके फंक्शन है किसके रिलैक्सिम के ठीक है बच्चों उसके बाद आतेबिन का क्या फंक्शन था मेल में इट इज गोइंग टू सेफ एस एच यानी एफ एस एच के सिक्रेशन को यह रोकता है चलिए बेटा जल्दी से लिखिए सब कुछ तो ये है पूरा हॉर्मोनल कंट्रोल हॉर्मोनल कंट्रोल में कोई भी डाउट किसी को एक बार जल्दी से चार्ट बॉक्स में पूछ सकते हैं यस yes. लिख लिया सबने डन बच्चों अब आगे की कहानी शुरू करें चलिए अब आगे की कहानी शुरू करते हैं यानी कि मेन प्रोसेस पे आते हैं ये तो बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी था कि हार्मोन कहां से आता है क्या करता है क्या उसके काम है ये सारी चीजें थी अभी तो प्रोसेस पूरा शुरू करना है साइकल का। ये तो अभी क्या थी बस ट्रेलर था हमारी मेन स्टोरी का है ना बेटा चलो अब आ जाओ शुरू करते हैं। अब इस पे से हमें एक बार इसको देख लो क्योंकि अभी हम ये पूरा वापस बनाएंगे वी आर गोइंग टू मेक दिस अगेन देख लिया आपने समझ में आ गया नहीं आया ना समझ में मैं बताती हूँ क्यों नहीं आया क्योंकि अभी मैम समझाएगी फिर आ जाएगा समझ में चलिए आइए इसको वापस से खुद से बनाएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल डायग्राम गिवन इन एनसीईआरटी चलिए बेटा आप सारे लेक्चर्स अटेंड करते नहीं है फिर बिन बात के डाउट्स आप पूछते हैं ये तो बहुत ही बुरी बात है यार तुम्हारी सब तुम्हारी मर्जी चल रही है यहाँ पे है भाई ये तो बहुत ही बुरी बात है यस yes. चलिए तो यहां पे सबसे पहले कुछ ब्लॉक्स बनाते हैं जैसे एनसीआरटी ने बना रखे ब्लॉक्स हम भी बनाएंगे बिल्कुल एनसीआरटी को कॉपी करेंगे एग्जैक्ट कॉपी yes. <laughs> बना ली सबने चार्ट पे बना ली या नहीं बनाया तुमने ब बताओ महेंद्र चौधरी महेंद्र चौधरी बताएगा ठीक है यस तो अब यहां पे देखिए पहला जो ब्लॉक है दिस इंडिकेट्स एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम क्या होती है स की सबसे इनर वॉल को एंडोमीट्रियम कहते हैं ठीक है उसके बाद हम पढ़ेंगे यहां पे हॉर्मोन्स ओवेरियन हारमोन ऐसे हॉर्मोन्स जो कहां से आते हैं ओवरी से आते हैं यहां पढ़ेंगे ओवेरियन फॉलिकल फॉलिकल्स क्या होते हैं ऊसाइड अलोंग विथ सपोर्टिंग सेल और यहां पे हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी हॉर्मोन्स यानी ऐसे हॉर्मोन्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहे हैं ठीक है अब गौर फरमाने वाली बात यह है कि जो मैं साइकिल है वो सिर्फ और सिर्फ ओवरी में ना होके यूट्रस में भी हो रही है ओवरी में क्यों हो रही है क्योंकि वहां से बनेगा यूट्रस में क्यों हो रही है क्योंकि वहीं पे तो क्या होगा डेवलपमेंट ऑफ द बेबी होगा ठीक है बेबी बेबी से याद आया बड़ा बेबी बेबी करते हो तुम आजकल है भाई यस तो यहां पे देखते हैं सबसे पहले ओवरी रुको ओवरी से पहले हम लिखेंगे यूट्रस वो ज्यादा बेटर है यहां पे हम लिखेंगे यूट्रस यहां पे हम लिख रहे हो ओवरी और यहां पे लिख रहे हैं हम डेज तो जो ह्यूमन महिला होती है कौन सी महिला ह्यूमन महिला जो होती है बेटा उसकी जो उस, मेन्शनल साइक्लो उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं 28 दिन कितने होते हैं बेटा मानसी 28 दिन होते हैं ठीक है थीके? तो यहां पे देख सकते हैं डे वन ये है डे फोर्टीन ये है डे ट्वेंटी एट यहां ले लेते हैं पच्चीस ठीक है 25, योग अट्ठाईस दिन तो गई एक साइकिल अब इस साइकिल में फर्स्ट से लेके पांचवे दिन तक ब्लीडिंग होती है क्या होती है फर्स्ट से लेके पांचवे दिन तक ब्लीडिंग होती है तो इस टाइम पे एंडोमीट्रियम क्या है टूट रही है इस टाइम पे एंडोमीट्रियम देखो एंडोमीट्रियम टूट रही है ये नीचे आ गई है तो सिंस एंडोमीट्रियम इस टाइम पे टूट रही है यूट्रस में ब्लीडिंग हो रही है तो इस वाले इस वाले फेज को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज क्या कहते हैं बेटा इस फेज को ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट से लेके फोर्टीन डेज के बीच में यहां पे जो एंडोमेट्रियम टूटी है वो वापस बन रही है क्या और है बेटा वापस बन रही है तो देखिए यहां पे ये देखिए एंडोमेट्रियम वापस बनती हुई बना दी वापस हमने हैंडोमीटियम वापस से बन रहे है और इस वापस से बनने को हम क्या कहते हैं प्रोलीफरेटिव फेज कौन सा फेज है बच्चों ये दिस फेज इज कॉल्ड एज प्रोलीफरेटिव फेज ठीक है अब इसके बाद 14 से लेकर 28 डेज ये इंतजार कर रहा है किसका इम्प्लांटेशन का ये इंतजार कर रहा है ब्लास्टुला का ठीक है तो यानी कि इस टाइम पे लेयर ग्लैंडुलर हो रही है ये देखिए ग्लैंडुलर हो रही है बना देंगे ग्लैंडुलर एंडोमेट्रियम तो दिस फेज इज कॉल्ड एज सिक्रिटरी फेज तो यूट्रस में कितने फेज चल रहे हैं बच्चों जल्दी बताइए चार्ट सेक्शन में फटाफट से जल्दी बताइए कितने फेज चल रहे हैं यूट्रस में तीन फेज चल रहे हैं पहला फेज जब ब्लीडिंग होती है तो एंडोमेट्रियम टूट रही है जब एंडोमेट्रियम टूटती है तो उसे मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं जब ये वापस बन रही है तो प्रोलिफरेटिव फेस कहते हैं जब ये ज्यादा ग्लैंडुलर हो जाती है तो उसको हम सिक्रेटरी फेस कहते हैं ठीक है वहीं पे अब आ जाओ ओवरी में ओवरी में वन से लेके थर्टीन डेज तक वन से लेके थर्टीन डेज तक जो फेज चल रहा है दिस इज कॉल्ड फॉलिकुलर फेज इस फेज को क्या बोलते हैं बच्चों फॉलिकुलर फेज फॉलिकुलर फेज हो गया क्योंकि इस टाइम पे क्या बनेगा फॉलिकल बनेगा ओवरी के अंदर यानी इस फेज में बच्चे ओवरी के अंदर क्या बनाएंगे फॉलिकल बनाएंगे और डे इज़ अ डे जिस दिन होती है ओविलेशन ओविलेशन क्या है ऑफ़ ग्राफियन फॉलिकल उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है ओविलेशन के बाद तो इस फेज को बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे ल्यूटियल फेज तो टोटल नंबर ऑफ फेजेस जो ओवरी में होते हैं वो कितने होते हैं बच्चों वो कितने हैं तीन हैं सारे का वो कितने हैं तीन होते हैं है ना चुन्नू पहला फेज होता है फॉलिकुलर फेज उसके बाद होता है ओवुलेशन फिर आता है ल्यूटियल फेज डन डन आन चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं बेटा ये वाला कॉलम सबने बना दिया अब यहां पे सबसे पहले हम फॉलिकल पे चलते हैं फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल बनाएंगे ओवरी के अंदर सबसे पहला फॉलिकल जो छोटू सा है इस फॉलिकल का नाम क्या है मेरे बच्चों व्हाट इज दिस फॉलिकल कॉल्ड एज दिस इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल ये प्राइमरी फॉलिकल है प्राइमरी फॉलिकल पे जब एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन काम करेगा तो ये क्या बना देगा सेकेंडरी फॉलिकल ये आपने बना दिया सेकेंडरी फॉलिकल ये देखिए दिस इज अ सेकेंडरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल जब आगे डेवलप करेगा तो इससे क्या बनेगा सारे का टर्सरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल आगे जब फिर से डेवलप करेगा तो आगे क्या बनाएगा वो ग्राफियर फॉलिकल तो आप देख रहे हैं फॉलिकुलर फेज में ओवरी के फॉलिकुलर फेज में आपने फॉलिकल डेवलप किया है फ्रॉम प्राइमरी से लेकर ग्राफियल फॉलिकल तक ठीक है बच्चों अब यहां पे मैंने आपसे कहा था एक चीज याद रखना मैम पक्का पूछेगी जब टॉपिक पढ़ाएंगी सबसे ज्यादा ग्रैनुलोसा सेल्स किसके पास है सबसे ज्यादा ग्रैनुलोसा किसके पास है ग्राफियन के पास तो सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन कौन प्रोड्यूस करेगा ग्राफियन फॉलिकल तो यानी कि यहां से एस्ट्रोजन बढ़ रहा है ये एस्ट्रोजन बन गया एंड दिस इज अ सेकंड टाइम एस्ट्रोजन इज कमिंग तो यहां पे आप देख सकते हैं एस्ट्रोजन दिस रिप्रेजेंट्स एस्ट्रोजन हाउ मच अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन इज बीइंग सीक्रेटेड ठीक है तो अब आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे ग्राफिन फॉलिकल के पास मैक्सिमम ग्रानुलोसा मैक्सिमम एस्ट्रोजन अबे बेटा जब एस्ट्रोजन मैक्सिमम होता है तो कौन सा हार्मोन कोई पॉजिटिव फीडबैक भेजता है मुझे याद नहीं आप हेल्प करोगे मैम की यस अभी मैम ने बताया था कि एस्ट्रोजन सेंड्स पॉजिटिव फीडबैक टू एलएच तो यानी सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन यहां पे और डे कौन सा चल रहा है 13 तो यानी कि सबसे ज्यादा एल भी कब होगा यहीं पे होगा तो यानी एल जो था पहले कम था अब ये ज्यादा हो गया और फिर कम तो आप देख रहे हैं कि दोनों आपस में कितनी मिलती जुलती है क्योंकि जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप करेगा अब स्टोरी क्या बनी जैसे जैसे फॉलिकल बनेगा डेवलप करेगा एस्ट्रोजन ज्यादा होगा और ज्यादा एस्ट्रोजन एलएच को पकड़ के लाएगा ठीक है क्या ये तीनों चीजें आप रिलेट कर पा रहे हैं यहां पर इतना बताइए कि नहीं बस इतना बताइए यस हाँ बेटा जल्दी बताइए क्या आप ये पूरी इतनी स्टोरी रिलेट कर पा रहे है? एक एक चीज डायग्राम की जो एनसीआरटी में दी हुई है हर बच्चे को पता होना चाहिए कि हमने एक एक चीज रिलेट की है ठीक है अब दूसरी चीज यहां पे देखते हैं बच्चों जैसे इस्टोजन ज्यादा होता है मैम ने कहा था ना ये बेजालिस से क्या बनाएगा फंक्शनलिस यानी वापस एंडोमीट्रियम बनानी है तो बेटा इस्ट्रोजन यहां पे सबसे ज्यादा है और देखो एंडोमीट्रियम भी बन चुकी है यानी कि एस्ट्रोजन यहाँ पे दो काम कर रहे एक तीर से दो निशाने इस्ट्रोजन यहाँ पे एक तीर से दो निशाने कर रहा है पहला निशाना उसने एल को बनाया दूसरा निशाना किसको बनाया एंडोमीट्रियम को एंडोमीट्रियम को तो एस्ट्रोजन एंडोमीट्रियम को भी बना रहा है और ऊपर से एल एच को भी ला रहा है यहां तक डन क्लियर सबको शिवम आराम से पढ़ो बेटा बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मैं आपको बहुत आराम से पढ़ा रही हूं ट्रस्ट मी ट्वेंटी वन वाले बच्चे ये देख ले तो कहेंगे ये हमारी मैम ही नहीं है इतना तो स्लो मैम कैसे पढ़ा रही है दिस इज द यू नो सबसे स्लो स्पीड जो मैंने आज तक पढ़ाई है यस yes. इससे ज़्यादा कभी मैंने स्लो नहीं पढ़ाया, आप 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 बच्चे नए हैं हैं, हैं, हमारे चैनल पे पे को बहुत प्यार से पढ़ाना, पढ़ रहे हैं। तो आप पहले तो तो पहले ना हो, आपको पहली चीज़ यहां पे देखनी है कि फॉलिकल बना। फॉलिकल कहां बनता है? है कि बना, बनता बनता में, ओवरी में जब फॉलिकल बनता है तो उसे फेस कहते हैं। ठीक है जब इस्टोजन हाइएस्ट होता है तो वो एल को लेके आता है और एंडोमीट्रियम को बनाता है तो दो काम कर रहा है हुआ, अब देखो एल एच ज्यादा हो गया जैसे ही एल एच ज्यादा होता है इट लीड्स टू ओव्यूलेशन इससे क्या होता है मेरे बच्चों ओव्यूलेशन तो यानी कि जिस टाइम एल ज्यादा है डे 14 पे उसे दिन ओवुलेशन होगा यानी ओवुलेशन कराने के लिए आपको हमेशा कौन सा हार्मोन चाहिए एलएच हमेशा कौन सा हार्मोन चाहिए एलएच ठीक है अब नेक्स्ट स्टोरी पढ़ते हैं लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट स्टोरी अब आगे की स्टोरी की बात करते हैं भाई ओवुलेशन हो गई चलिए बनाते हैं ये ग्राफिन फॉलिकल ये ऊसाइड जो बाहर निकल गया पीछे क्या बच गया पीछे क्या बच गया ओवरी में ओवरी में पीछे बच गया कॉर्पस हिमरहाजिकम कॉर्पस हिमरहाजिकम से बनता है कॉर्पस ल्यूटियम और फिर बनता है कॉर्पस एल्बिकन्स ठीक है ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये हार्मोन कौन से प्रोड्यूस करता था पेरी पेरी ठीक है यानी कि यहां पे एक हार्मोन आने वाला है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन तो ये देखिए यहां ना शुरू हो गया का प्रोजेस्टेरोन ये है आपका प्रोजेस्ट्रॉन क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन तभी बनेगा जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा ठीक है प्रोजेस्ट्रॉन है दीवार को संभालने का काम किसका प्रोजेस्ट्रॉन का जब तक प्रोजेस्ट्रॉन रहेगा तब तक एंडोमीट्रियम बनी रहेगी तो यानी प्रोजेस्ट्रॉन प्रोजेस्ट्रॉन का काम है टू मेंटेन टू मेंटेन वॉल ऑफ एंडोमीट्रियम क्यों एंडोमेट्रियम को मेंटेन करे क्योंकि सिर्फ प्रेगनेंसी करानी है क्या करानी है बच्चों प्रेगनेंसी करानी है तो ये थी आपकी स्टोरी क्या इतना सबको समझ में आया यस जल्दी बताइए गार्गी और अब एफएसएच फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के लिए जो हार्मोन हमें चाहिए होता है वो कौन सा होता है एफएसएच तो यहाँ पे हम एफएसएच की पीक बना देते हैं येरी एफएसएच द रेड वन इंडिकेट्स एफएसएच मानती हो काफी कुछ समझ नहीं आया होगा एक बार में किसी को समझ नहीं आता और जिसको आगे एक बार में समझ वो बिल्कुल फेंक रहे आज की क्लास में <laughs> मैं खुद बता रही हूं वो महा फेकू बच्चे हैं नहीं आता किसी को भी यार समझ में यस नहीं आता मैं आपको अभी वापस पूरे नोट्स लिखवाऊंगी आपको क्या लग रहा है टॉपिक कंप्लीट हो गया बिल्कुल भी नहीं यस बिल्कुल भी नहीं अभी तो हमें नोट्स बताऊंगी ये था ओवरव्यू पहले हमने बैकग्राउंड स्टोरी की अब हम ओवरव्यू कर चुके हैं अब हम बनाएंगे नोट्स शुरू करें बच्चों एक बार इसको लिख लो अपने एनसीआरटी को लेबल कर लो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप चलिए अब शुरू करते हैं सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्री ओव्यूलेटरी इवेंट्स प्री ओविलेटरी इवेंट्स वो होते हैं जो ओविलेशन से पहले हो रहे हैं द इवेंट्स अकरिंग बिफोर ओविलेशन बिफोर ओविलेशन ऐसे इवेंट्स जो कहा हो रहे हैं बिफोर ओविलेशन हो रहे हैं ठीक है यहाँ पे ये जो इवेंट्स है ये दो ऑर्गन में होते हैं कौन कौन से दो ऑर्गन है आप जल्दी जल्दी आंसर देंगे देखो अब तो आपको कुछ कुछ समझ में गया ना कुछ कुछ आंसर देने की कोशिश करो घबराने का कर नहीं ठीक है कुछ कुछ देने की कोशिश करो तो दो ऑर्बन कौन से है एक होता है ओवरी दूसरा होता है यूट्रस दूसरा कौन सा होता है यूट्रस ठीक है ओवरी के अंदर जो फेस चल रहा है बिफोर ओविलेशन उसे कहते हैं फॉलिकुलर फेस कौन सा फेस चल रहा है यहां पे यहां पे जो फेस चल रहा है उसका नाम है फॉलिकुलर फेस फेज जो वन से थर्टीन डेज के बीच में चलता है ठीक है बच्चों इसके बाद जो हमारा आता है दैट इज यूट्रस यूट्रस में जो फेज चलता है यूट्रस में जो फेज चलता है वो कौन कौन से होते हैं पहले वन से फिफ्थ डे के बीच में चलता है मेंस्ट्रुअल फेज मेंस्ट्रुअल फेज और वहीं पे सिक्स से लेके थर्टीन डेज के बीच में जो फेज चलता है वो होता है प्रोलिफरेटिव फेज टिव फेस तो जिस दौरान ओवरी के अंदर फेज है एक फेज चलता है उसी टाइम पे यूट्रस में दो फेज चलते हैं ठीक है बच्चों अब यहां पे देखते हैं फॉलिकुलर फेज में ओवरी में क्या हो रहा है ओवरी के अंदर फॉलिकल डेवलप कराना है हॉर्मोन कौन सा चाहिए चुनू गायलिकल डेवलप कराना है हॉर्मोन कौन सा चाहिए एफ एस एच तो एफ एस एच हॉर्मोन आएगा वो काम करेगा प्राइमरी फॉलिकल पे और ये फॉलिकल में करंट आ जाएगा क्या आ जाएगा करंट आ जाएगा जैसे ही एफ एस एच प्राइमरी फॉलिकल पे काम करता तो है उसमें करंट आता है करंट आने के कारण ये प्राइमरी से बनता है सेकेंडरी सेकेंडरी से बनता है टर्शी टर्शी से बनता है ग्राफियन फॉलिकल बन गया ग्राफियन फॉलिकल अब जैसे ग्राफियन फॉलिकल बना तो अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन बॉडी में क्या हो जाएगा मैक्सिमम ठीक है सो सिंस ग्राफिन फॉलिकल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रानुलोसा सेल्स देअर फोर देअर फोर मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रानुलअर फोर मैक्सिमम एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड ये बात सबको क्लियर हुई यहां पे अब क्लियर हुआ लिखने के बाद अब कोई शक किसी बच्चे को क्लास में कि मैम हमें शक हो रहा है यस शिवम आराम से बेटा आराम से शिवम आराम आराम से नोट्स बनाओ ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे यानी कि इस वाले पे मेंस्ट्रुअल फेज और प्रोलिफरेटिव फेज जरा इसके बीच में एक लाइन लगा देते हैं इसको समझने के लिए लाइन लगा देंगे तो बढ़िया से समझ पाएंगे ठीक है इस तरीके से अब आ जाओ मेंस्ट्रुअल फेज को समझते हैं स्ट्रल फेस यहाँ पे ब्लीडिंग होती है नहीं होती है होती है क्यों ब्लीडिंग होती है क्योंकि एंडोमेट्रियम टूटती है सो द ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमीट्रियम ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम में स्पेशली कौन सी स्ट्रेटम फंक्शनलिस लीड्स टू ब्लीडिंग लीड्स टू ब्लीडिंग ठीक है सबसे पहला पॉइंट ये अब दूसरी चीज है कितना ब्लड लॉस होता है ठीक है यस yes, कितना ब्लड लॉस होता है थर्टी से फोर्टी एम ऑफ ब्लड इज लॉस्ट इज लॉस्ट इन लिक्विड स्टेट इन लिक्विड स्टेट अब आप कहेंगे मैम एक बात बताओ जब भी बॉडी से ब्लड निकलता तो वो तो क्लॉट हो जाता है तो आप यहां पे लिक्विड स्टेट क्यों बोल रहे हो ये लिक्विड स्टेट इसलिए होता है बच्चों कि ही ब्लड निकलता है ही ब्लड निकलता है वो क्लॉट होता है बट उस क्लॉट को क्या कर देते हैं हम डिजोल्व कर देते हैं ठीक है सो so ये लिक्विड स्टेट में क्यों निकलता है बिकॉज ब्लड क्लॉट आर डिजॉल्व आर डिजॉल्व बाय फिब्रोलिसिस प्रोसेस ठीक है यस तो इस तरीके से हम ब्लड जो है हमेशा क्या होगा हमेशा वो लिक्विड स्टेट में आएगा ठीक है बच्चों ये भी क्लियर हो गया मेंस्ट्रुअल फेज अब आते हैं प्रोलिफरेटिव प्रोलिफरेटिव क्या बना रहे थे प्रोलिफरेटिव में इस फेज में वापस एंडोमीटि बनानी है तो हार्मोन कौन सा चाहिए दीवार बनाने के लिए हार्मोन कौन सा चाहिए एस्ट्रोजन दीवार को संभालने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए प्रोजेस्टेरोन तो दीवार वापस बना रही है तो यानी कि इसमें हम रीजेनरेशन ऑफ एंडोमीट्रियम एंड दिस एंड दिस रिक्वायर्स एस्ट्रोजन दिस रिक्वायर्स एस्ट्रोजन बस सिंपल अब नेक्स्ट फेज कौन सा आता है बेटा इसके बाद द नेक्स्ट फेज वी आर गोइंग टू टॉक इज ओबुलेशन मामी क्यों टूटी थी एंडोमेट्रियम इसलिए टूटी थी क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हुई थी यस yes. मींस जब आप इन फाइबर्स को जो क्लॉटिंग फाइबर्स है उन्हें डिसॉल्व कर देते हैं डन अब नेक्स्ट फेज करते हैं बच्चों थम्सअप नहीं आ रहे यार थम्सअप नहीं आ रहे बड़ा अजीब लग रहा है मैम के थम्सअप नहीं आ रहे यस yes. Is the thunder up next phase i'm you, ovulation we are going to talk about ovulation what is the definition of ovulation kids the breakdown of graphian follicle the rupturing of graphian follicle प्रोसेस इज कॉल्ड एस ओवलेशन एंड टू रक्र दॉर्मोन यूनिट इज एलेट ठीक है तो यानी कि एलेट सर्च और जिस दिन ओविलेशन होता है उस दिन फीमेल की बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है ना यस तो वन डिग्री फेराइट वन डिग्री फेराइट से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस नाव हाउ टू कैलकुलेट यस नाव हाउ टू कैलकुलेट किस दिन ओवुलेशन होते हैं फॉर्मूला बता दो बच्चों यस फॉर्मूला बता दो ना डे ऑफ ओवुलेशन डे ऑफ ओवलेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेज इन मेन्स टूवेल्व साइकिल माइनस फोर्टीन ये फॉर्मूला अब मैं क्वेश्चन कराऊंगी आप उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन इफ देयर आर थर्टी फाइव डेज इन मैं साइकिलेट द डे ऑफ ओवलेशन आंसर बताइए बच्चों कमऑन क्विक आंसर 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 अरे भाई इतनी जल्दी आंसर दे दी अभी तो हम टहली रहे थे कि बच्चों ने आंसर भी दे दिए सारा पानी खत्म हो गया आज हम्म आंसर क्या है ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन कैसे आया थर्टी फाइव माइनस फोर्टीन इक्वल टू ट्वेंटी वन तो इस साइकिल में डे ऑफ ओवलेशन कौन ट्वेंटी फर्स्ट डे ओविलेशन होगा रक्चरिंग ऑफ ग्राफिंग फॉलिकल होगी इसी टाइम पे फीमेल प्रेग्नेंट हो सकते हैं राइट मानसी यस अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे ओविलेशन कर लिया बेटा सबने डन चले अब हम लास्ट फेज पे आ रहे हैं प्री ओविलेटरी हो गया ओविलेटरी हो गया यानी कि अब नेक्स्ट कौन सा होगा पोस्ट ओविलेटरी नेक्स्ट कौन सा बच्चे हो पोस्ट ओविलेट्री इवेंट्स पोस्ट ओविलेटरी इवेंट्स यानी ओविलेशन के बाद फिर से कौन से दो ऑर्गन है बेटा अगर आपको मोर्चा निकालना है ना कैंसलेशन का एग्जाम के तो यहां पे निकालने की जरूरत नहीं है आई विल नेवर पार्टिसिपेट इन थिंग्स लाइक दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई एम टेलिंग यू अगेन आई विल नेवर नेवर एवर पार्टिसिपेट द रीजन बींग लास्ट ईयर बच्चों के नंबर कमाए थे जस्ट बिकॉज दे गॉड इंटू ऑल दिस स्टफ यू ऑलो डोंट गेट इन टू दिस स्टफ मैं आपको बता रही हूं किसी भी साल ये अगर होता है बेटा प्लीज अपने साथ कभी भी कोई भी कैसी भी वीडियो आपको न्यूज होगी ना तो आप न्यूज चैनल पे देख लेना डोंट गेट इन टू दिस स्टफ डोंट मैंने लास्ट ईयर अपने बच्चों को देखा है वो इतना अच्छा स्कोर कर रहे थे वो इन सब चीजों में फंस कर रिविजन नहीं कर पाए एंड स्कोर दंड्रेड मार्क्स लेस देन एक्सपेक्टेड डोंट गेट इन टू दिस प्लीज जस्ट बेटा स्टडी एंड मेक श्योर यू आर स्टडिंग एंड यूटिलाइजिंग योर टाइम इन द बेस्ट देश ठीक है यस पोस्ट ओविलेटरी इवेंट्स भी दो जगह और हैं यानी कि ओवरी में भी होता है और यूट्रस में भी होता है और यूट्रस में भी हो रहा है तो अगर डेज की बात करें लेट्स टॉक अबाउट द डेज बच्चों तो 14 डे ओवलेशन तो हो गया यानी 15 से लेकर 28 डेज की बात कर रहे हैं कब से कब तक की बात करें, करें? 15th डे से 28th डे की हम बात कर रहे हैं इस टाइम पे ओवरी के अंदर पोस्ट ओवलेशन क्या बनता है कॉर्पस न्यूटियम तो ओवरी के अंदर इस टाइम क्या बन रहा है कॉर्पस ल्यूटियम एंड सिंस कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है दिस फेज 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 इज कॉल्ड एज ल्यूटियल इसलिए इस फेस का नाम क्या है ल्यूटियल फेज अब कॉर्पस ल्यूटियम एक परमानेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है इज इट अ परमानेंट एंडोक्राइन ग्लैंड बच्चों यस मैम टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होता है प्रोजेस्ट्रॉन के कारण प्रोजेस्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है थर्मोजेनिक महिला जब प्रेग्नेंट रहेगी तो उसका बॉडी टेम्परेचर हमेशा थोड़ा सा ज्यादा रहेगा क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन इज थर्मोजेनिक इन नेचर ठीक है तो ये क्या है पर्मानेंट नहीं बेटा ये टेम्प्ररी एंडोक्राइन ग्लैंड है उसी टाइम पे यूट्रस अपने आप को तैयार कर रहा है प्रेगनेंसी के लिए वो वेट कर रहे हैं कि फर्टिलाइज है गाएगा और मैं इम्प्लांटेशन करूंगा ठीक है तो यानी कि इस टाइम पे जो फेज यूट्रस में चलता है उस फेज का नाम है सिक्रीटरी सिक्रीटरी फेज और इस फेज में इस फेज में फॉर इम्प्लांटेशन कुछ बच्चे पूछ रहे कि मैम साइकिल के टाइम पे पेन क्यों पे होता है बेटा आपका टिश्यू टूट रहा है टिश्यू टूटेगा तो दर्द नहीं होगा हाथ पे हल्का सा कट लग जाएगा कहोगे दर्द नहीं होगा क्यों भाई वाई ये तो नेचुरल प्रोसेस है भयंकर दर्द इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी बट यस मतलब पेन होना लाजमी सी बात है बेटा क्योंकि टिश्यू टूट रहा है 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 ठीक हाथ में एक छोटी सी भी चोट लगती है, तो दर्द होता है ना और ब्रेकअप हो जाता है तो और भी ज्यादा दर्द होता है तो उससे भी ज्यादा दर्द है क्या मेरे बच्चे तुम भी यार है ना यस चलो आ जाओ ये सिक्रेटरी फेज है सिक्रेटरी फेज में यूट्रस प्रिपेयर्स इट्स सेल्फ इट्स सेल्फ फॉर इम्प्लांटेशन फॉर इम्प्लांटेशन तो सी तीसरे इम्प्लांटेशन के लिए अपने आप को तैयार करना है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना खातेदारी की खातेदारी की तैयारी कैसी होती है द मेमब्रेन द एंडोमीट्रियम बिकम्स बिकम्स मोर ग्लैंडुलर मोर ग्लैंडुलर इन नेचर इन नेचर ठीक है बच्चों ये हो गया सिक्रेटरी फेस अब बेटे देखो यहां पे ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना ये वाला पार्ट है जो मैम ने अभी तक ब्लैंक छोड़ रखा है आपको पांच मिनट अगले पांच मिनट मैं कहूंगी सब प्लीज अपने पेन किताब सब सामने रख दो एंड जस्ट ऑब्जर्व मैम दैट व्हाट इज मैम टीचिंग क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी एन ओप कॉन्सेप्ट इन योर लैंग्वेज इट इज गोइंग टू बी ओप कॉन्सेप्ट जो आपने आज समझ लिया तो समझ आ जा जाएगा बाद में समझ आना थोड़ा मुश्किल है ठीक है सो आई यू टू बी वेरी एक्टिव इन द बॉक्स थम्स अप सब कुछ कर सकते हैं आप ठीक है यस हाई रमन गोयल यस मैंने आपका नाम ले लिया चलिए आ जाओ ठीक है यस अब आते बेटा ओप कॉन्सेप्ट समझते हैं नाम के साथ चलिए सबकी निगाहें बोर्ड पर कॉर्पस ल्यूटियम क्या बनाता है बेटा प्रोजेस्ट्रॉन ठीक है एल एच मेंटेन करता है किसको कॉर्पस ल्यूटियम को ये मैम ने आपको अभी बताया था नहीं बताया था, बस येस और नो येस और नो येस और नो जल्दी ये मैम ने आपको बताया था कि एल एच का एक काम है कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना कहीं कर जाने नहीं देता ये ठीक है डन अब यही कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है प्रोजेस्ट्रॉन प्लस एस्ट्रोजन प्लस एस्ट्रोजन ये भी मैम ने बताया था बोलो यस बोलो यस दोनों बनाता है ठीक है अब प्रोजेस्ट्रॉन जो है इसका काम होता है टू मेंटेन एंडोमेट्रियम टू मेंटेन एंडोमेट्रियम यानी कि जब तक प्रोजेस्ट्रॉन रहेगा तब तक ब्लीडिंग तो नहीं होगी ठीक है जब तक बॉडी में प्रोजेस्ट्रॉन रहेगा तब तक बॉडी में ब्लीडिंग नहीं होगी क्योंकि वो दीवार को संभाले हुए है वो दीवार को क्या है संभाले हुए है ठीक है सारे का अब यहां पे हुआ क्या यहां पे दो केस है केस नंबर वन फर्टिलाइजेशन एबसेंट फर्टिलाइजेशन नहीं हुई फर्टिलाइजेशन एबसेंट दिस इज अ केस वन ठीक है हो सकता है फर्टिलाइजेशन नहीं हो जरूरी थोड़ी सफलता हर एक अटेम्प्ट में मिल जाती है कभी नहीं मिलती सफलता पहले अटेम्प्ट में दूसरे में सफलता मिलती है ट्राई करने वालों को ठीक है बच्चों फिर आते हैं केस नंबर टू पे केस टू है सफलता मिल गई यानी फर्टिलाइजेशन हो गई फर्टिलाइजेशन हैपेंड अब दो केस है अब दोनों केस में होता क्या है जब सफलता नहीं मिलती है तो ब्लीडिंग होती है दिल दुखता है जब सफलता मिल जाती है तो दिल खुश होता है तो इन्दा विल है। विल है। तो यानी यानी कि जब होती है, ध्यान से सुनना जब फर्टिलाइजेशन एबसेंट होती है प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन दोनों मिलके नेगेटिव फीडबैक भेज रहे को, तो दोनों मिलके इसको नेगेटिव फीडबैक भेज रहे हैं तो इन दोनों ने कहा कि बेटा एल तुम थमो एल रुक जा बेटा रुक जा। अरे भाई रुक तू नहीं निकलने का ठीक है तो यहां पे नहीं एल ही नहीं, नहीं निकला जैसे ही एल निकलना बंद हुआ कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा ढाई से बह जाएगा ठीक है तो एल निकलना बंद मेंटेन होना बंद कॉर्पस ल्यूटियम खत्म एस्ट्रोजन खत्म प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन खत्म तो एंडोमेट्रियम टूट गई ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई आए समझ में चलिए वापस से यहां पे बताएंगे प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन ने दोनों ने मिलकर एलएच को क्या भेजा नेगेटिव फीडबैक ठीक है इसके कारण नो मेंटेनेंस नो मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं रहा जिसके कारण नो no प्रोजेस्ट्रॉन अब प्रोजेस्ट्रॉन नहीं है सेंस प्रोजेस्ट्रॉन नहीं है दिस विल लीड टू द ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमीट्रियम जैसे एंडोमीट्रियम टूटती है दिस कॉज इज ब्लीडिंग बताइए कॉन्सेप्ट शानदार बना या नहीं बना ओ कॉन्सेप्ट बना कि नहीं बना मैम ने आपको फ्लो चार्ट की फॉर्म में दो बार क्लियर शब्दों में एक एक चीज लिखवाई है चाहे आप मेरे से पढ़ो यहाँ पे किसी भी ऑफलाइन टीचर से पढ़ो किसी भी टीचर से पढ़ो आपको इस कॉन्सेप्ट में कमी नहीं दिखेगी आप कहेंगे कि मैम आपने एक स्टेप आगे ही पढ़ा है दिमाग के अंदर एक एक चीज बिठा दी आपने ये बिल्कुल भरोसा दे रहे हैं तुम्हें बिल्कुल क्लास में ठीक है yes. यस अब आते हैं केस टू पे सफलता प्राप्त हो गई है है ना क्या हो गई है सफलता मिल गई है यानी ब्लीडिंग नहीं करानी अब ब्लीडिंग नहीं करानी तो यहां पे कॉपी क्या जाता है अब देखो बेटा जैसे फर्टिलाइजेशन होती है तो ब्लास्टुला बनता है बस अभी पढ़ लो कि ब्लास्टुला बनता है और ये जो ब्लास्टुला है एक तो हार्मोन सिक्रिएट करता है ठीक है एक हार्मोन सिक्रिएट करता है उस हार्मोन का नाम है एच हार्मोन का नाम क्या है एच सी जी यह ब्लास्टूला सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है और ये बनाते हैं एच सी जी एच सी जी की फुल फॉर्म क्या है ह्यूमन कोरियोनिक कोरियोनिक गोनाडो ट्रोपिन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडो ट्रोपिन ये जो एच सी जी है ये वही काम करेगा जो एलएच कर रहा था यानी कॉपी कैट्स है ठीक है तो ये जो एच एचसीजी है मिमिक्स मिमिक्स एलएच तो जो काम एलएच करता है वही अब एचसीजी करता है एचसीजी कहां से आता है ब्लास्टुला से तो ब्लास्टुला कब आता है फर्टिलाइजेशन के बाद आता है ठीक है अलेस अब देखो यहां पे तो यानी अब कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करेगा एचसीजी एचसीजी नाउ मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन है यहां पे देखो नो कॉर्पस ल्यूटियम यहां पे कॉर्पस ल्यूटियम है कॉर्पस ल्यूटियम है तो प्रोजेस्ट्रॉन भी है कॉर्पस ल्यूटियम है तो प्रोजेस्ट्रॉन भी है अगर प्रोजेस्ट्रॉन है तो नो ब्लीडिंग तो नो ब्लीडिंग तो बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद असली ट्विस्ट क्या होता है तो मैम अब एल नहीं बनेगा नो वैष्णवी आपने कहा देखो बेटा एक चीज होती है मैं आपको बताती हूँ आपने देखा होगा लाइफ में कई बार ना आपको जो बड़ी शिद्दत से चाहिए होता है ना आप कहते हो मुझे चाहिए मुझे इन्हीं से पढ़ना है इन्हीं से पढ़ना है इन्हीं से ही पढ़ना है ठीक है बट जब नहीं हो पाता है ना तो आप कहते हो चलो कोई नहीं कोई और देख लेते हैं ठीक है थीके? बट आप उनसे पढ़ना शुरू करते आपको बहुत अच्छा लगता है तो बेसिकली है क्या बॉडी कहती है ये LH काम तो करता है बट बहुत ही ज्यादा ना नाटकबाजी करता है बहुत ज्यादा नाटकबाजी करता है LH. तो वो कहती है कि चल छोड़ एच सी जी कहते सारा मैं करूंगा, मेरे पे भरोसा करो और एच सी जी काम भी करता है प्रेगनेंसी भी करा देता है मेंटेन भी कर देता है सो दिस इज अ थिंग यहाँ पे बॉडी कहती है कि भाई तू एच तो निकल यार तेरी जितनी जरूरत थी हो गया हमने तेरे आगे हाथ भी जोड़ लिया सब कुछ कर लिया अब तो निकल अब तेरा मेन काम क्या है कि तू तो निकल और अब आएगा एच क्वेश्चन यहाँ पे जो भी चीजें हम है जितने हमारे सीबीएसई बोर्ड्स के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज है यस yes. मैम अच्छा काफी सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं मैम पेलूसिडर किससे होती है सेकेंडरी ऊसाइट से मैम लेकिन मैम एल को तो कोई नेगेटिव फीडबैक मिला ही नहीं तो वो क्यों क्यों नहीं मिला एक बच्चे ने मुझसे पूछा मैम यहाँ नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला क्यों नहीं मिला बिल्कुल मिला एस्ट्रोजन अभी भी है वो लगातार उसको नेगेटिव फीडबैक भेज रहे हैं एल तो आ ही नहीं रहा तभी तो एच की जरूरत पड़ी सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है द ओनली डिफरेंस इज ब्लास्टूला आ जाता उससे एच सी बन जाता दैट सेट दैट सेट ठीक है बच्चों बिल्कुल आई होप बच्चों ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो पूरा हार्मोनल कंट्रोल एवरीथिंग ब्लास्टोला क्या होता है ये मैं आपको एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट में बताऊंगी अब जरा एक आध क्वेश्चन कर ले बेटा कैन बी डू सम क्वेश्चन करें चलिए आइए अब मैं यहां पे आपको एक दो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगी जिससे आपको टॉपिक पे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा चलिए Question number one. आंसर्स बेटा प्रिमोड फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल अलग है बिल्कुल बट द हैव गिवन द राइट आंसर इन द चार्ट सेक्शन दैट द आंसर इज फ्री बिकॉज प्रोजेस्ट मेंटेन्स एंडोमेट्रियम जैसे हम प्रोजेस्ट्रॉन को खींचते हैं ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है ठीक है यस चलिए क्वेश्चन नंबर टू लेट स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर टू which hormone will be used. Yes, बेटा कितना सन्नाटा है <laughs> पढ़ रहे हैं ना वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं यस yes. सेशन बस होने वाला है बेटा ओवर मैम ने क्वेश्चन पूछा है कि ओवलेशन के दौरान कौन सा हार्मोन यूरिन में मिल सकता है आपको गधो बता ना चाहिए को एक नंबर के वो होगा आंसर क्योंकि ब्लास्टुला छठे सातवें दिन बनता है ओविलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद अभी तक तो ब्लास्टुला बना ही नहीं है एचसीजी कहां से आएगा अपनी मर्जी से आएगा एचसीजी गिव्स सी ऑफ प्रेगनेंसी। तो जितनी भी वो प्रेगन न्यूज वगैरह किट्स होती है जितनी भी किट्स होती है प्रेगन न्यूज वगैरह वो सब एचसीजी बेस्ड होती है घुमा देना क्वेश्चन तो है जी क्वेश्चन जो क्वेश्चन घुमा दे वही तो होता है जी स्क्वायर क्वेश्चन आसान थोड़ी होता है बच्चों ठीक है चलिए आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे